जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन के ही बारे में, जो कि कल हम पढ़ रहे थे। और फार्मूला मैंने ले लिखा था, थोड़ा सा एक दो थी इंटेंशन रहा कल। एक तो मैं जानबूझ के गए या टाइम का अभाव रहा जिस कारण से फार्मूले नहीं लिखवाए गए। एक कहा गया था हेडिंग के भी यहाँ पे सारे काम कर लेंगे, वैसे अगर आपने करना चाहोगा तो वो भी गया होगा। तो आज था लॉजिकल फंक्शन और आप एक दिन पढ़े थे चूज फार्मूला, तो उसके बिहा पे भी मैं एक कॉन्सेप्ट दूंगा, उसको सॉल्व करिएगा। और लॉजिकल फार्मूला को आज एक बार फिर से बिना देखे हेडिंग के मदद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है? और मतलब सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। तो फार्मूला क्या है, पहला हेडिंग था, मैं फिर से एक बार लगा के दिखा दे रहा हूँ और आप देख भी लेंगे। इसमें भी एक टॉपिक बढ़ा दिया जाएगा जो आप लोगों को करना है, और वो टॉपिक क्या होगा मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो हेडिंग पढ़ते हैं कि इफ कस्टमर बी ग्रेटर देन 5000 डिस्काउंट 5%। अगर आपको साइन को लेकर दिक्कत है कोई कि ग्रेटर देन का है कि लेस देन का है, तो परेशान मत होइए, यहाँ तो आपको खुद सामने से रिजल्ट आएगा। आपको ये बताइए, कोई भी दुकानदार ये कहेगा कि आप मेरे वहाँ 5000 से कम कर देंगे तो देंगे? कोई नहीं कहे। कोई कहेगा ज्यादा कर देंगे तभी डिस्काउंट देंगे, यही कहेगा। तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा का सिंपल है, मतलब ग्रेटर देन का सिंपल, उसी लेस देन पढ़ लिए थे। नहीं आपको नहीं कह रहे, मैं एक बात बता रहा हूँ। तो खुद सोचने वाली बात है, कोई दुकानदार ये नहीं कहता कि आप मेरे वहां इतने से कम करेंगे और डिस्काउंट देंगे, ज्यादा करेंगे डिस्काउंट नहीं देंगे। तो यहाँ पे इस पे तो एक क्लियर हो गई कि ग्रेटर देन का ही सिंपल है। अब जो बात कही गई, यदि कस्टमर बिल, तो वही चीज लिख लीजिए, यदि यदि मतलब इफ, और कस्टमर बिल तो कस्टमर बिल, और ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन, 5000 तो 5000, और उसके बाद डिस्काउंट दे देना है काम अंडर। क्यों ब्रैकेट यहाँ नहीं बंद कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक ही कंडीशन है, यहाँ एक ही कंडीशन है ना, अगले वाले में नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट दोनों में, तो इसलिए ब्रैकेट बंद करना था। लेकिन यहाँ पे कि अगर यही लोग फॉलो करेंगे तो क्या करना है, कामा डबल एंड कामा में कितना परसेंट, 5%, और डबल एंड कामा क्लोज। अगर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, मैं बताया था ना कि फाल्स वैल्यू देना होता है, अगर फाल्स वैल्यू नहीं दिखेंगे ना तो देखिएगा क्या होगा, फाल्स लिख के आ जाएगा प्रभात के सामने। देखिए बाकी लोगों को परसेंटेज मिल जाएगा, लेकिन इसके सामने फाल्स लिख के आएगा। क्यों फाल्स आ रहा है? क्योंकि आपने फाल्स वैल्यू दिया ही नहीं है, सबको ये दे दिया कि जो पाएगा उसको 5%, और बाकी लोग का जिक्र नहीं किए। तो यहाँ जिक्र कर लीजिए बाकी लोग, बाकी लोग क्या करना है, कामा बाकी लोग कितना देना है, 0% देना है, और डबल कामा क्लोज। अब देखिएगा अब आ जाएगा 0% आ गया, यानी फाल्स वैल्यू देना होता है, क्योंकि हमेशा दो चीजें होती हैं, ट्रू और फॉल्स, सही या गलत, है ना? वही बात है, सही हुआ तो 5, नहीं हुआ तो 0। अब इसका फार्मूला क्या लिखना है, सेम जो हेडिंग है, इक्वल टू ए, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट वन कस्टमर बिल, किसको सिलेक्ट करेंगे, वन कस्ट लिख देना, समझ आएंगे कस्ट मतलब क्या है, कस्टमर बिल, ठीक है, कस्ट बिल, उसके बाद ग्रेटर देन 5000, हाफ से लिखना है, कामा, और डबल एंड कामा में जो फॉलो करेगा उसे कितना परसेंट, 5%, और डबल एंड कामा बंद कर दीजिए, कामा, फाल्स वैल्यू का मतलब होता है कि जो लोग नहीं फॉलो करेंगे उन्हें 0%। चलिए फार्मूला लिख लीजिए आप लोग, नोट करिए फटाक से। आयुष मद्रेशिया, अगर आप 30 क्या बोलते हैं 30 जून तक नहीं आएंगे फिर आपका नाम इनएक्टिव कर दिया जाएगा, फिर दिक्कत होगी आपके लिए, क्योंकि आपने कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं किया हुआ है। तो आप जब मंथ की एंडिंग होती है तो जो लोग काफी दिन से एब्सेंट है उनका नाम हटा दिया जाता है, तो कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की बनती है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अगला क्या है, अब अगला क्या कह रहे, सुनिएगा ध्यान से। अगला है कि थोड़ा सा अब क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, देखिएगा यहाँ कह रहा है कि इफ कस्टमर बिल इज ग्रेटर देन 10,000, यानी यदि कस्टमर का बिल 10,000 से ज्यादा हो, और यानी या नंबर ऑफ प्रोडक्ट 5 से बड़ा या 5 के बराबर हो, तो उन्हें 10% का डिस्काउंट दे देना है। क्योंकि यहाँ और लगाया, और का मतलब दोनों कंडीशन में से कोई एक, अगर दोनों ही फॉलो हो गए तो बहुत अच्छी बात है, या दोनों में से कोई एक भी फॉलो हो गए तो भी डिस्काउंट के लिए वो इलिजिबल हो जाएगा।
या का मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल होगा तो भी इलिजिबल है, और दोनों फॉल होगा तो इलिजिबल तो ही है। कितना परसेंट डिस्काउंट? 10%। यानी यहाँ दो फार्मूले इफ और आर का यहाँ लिख देंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन आर ब्रैकेट ओपन। अब कस्टमर बिल है किसको सिलेक्ट करेंगे? कस्टमर बिल को। उसके बाद ग्रेटर देन है, देखते रहिए, ग्रेटर ग्रेटर देन है 10,000, 10,000। उसके बाद है आर, है आर तो पहले लगा चुके हैं, फिर उसके बाद है नंबर ऑफ प्रोडक्ट, किसको सिलेक्ट करेंगे? नंबर ऑफ प्रोडक्ट को लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब ब्रैकेट बंद कर दिया जाए ना, क्योंकि इतना क्या है अभी तक सब कंडीशन है, अब इस कंडीशन को कोई फॉलो करेगा तो काम आ डब एंड काम आम कितना परसेंट? 10%। डब एंड काम आम बंद, और बाकी लोगों को और ब्रैकेट बंद, इधर देखिए सबको मिलेगा ना। सेम वही कॉन्सेप्ट इसके लिए भी है, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए क्या, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन ओ आर ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट वन कस्टमर बिल क्या ग्रेटर देन 10,000 कामा सिलेक्ट वन नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और ब्रैकेट क्या कर देंगे बंद करके, कामा डबल कामा में 10%, डबल कामा बंद, फिर कामा और डबल कामा में क्या 0%। ये याद रखिए, डबल कामा अगर ओपन है तो बंद भी होगा, और ब्रैकेट बंद कर देंगे फाइनली। ये किसके लिए है? आर इफ एंड ऑल वाले फार्मूले के लिए। आयुष मैसेज वाला सेक्शन होगा, जो बात है अपनी बात बताइए। हो गया, चलिए सेम प्रोसेस यही होगा, जहां आर है वहां क्या लग जाएगा एंड लग जाएगा, जहां 10,000 है वहां क्या लग जाएगा 20,000 लग जाएगा, जहां 5 है वहां क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा, और जहां 10% है वहां क्या लग जाएगा, और जहां 0% है वहां 0% या 2% जो भी लगा हो जाएगा। सेम यही फार्मूला होगा, बस आर की जगह एंड लगा दीजिए, हो गया। हो जाएगा। चलिए अब आप लोग की बारी है, क्या सुनिएगा ध्यान, सुन लीजिएगा। हेडिंग में सब लिख दे, हेडिंग में ही लिख दे रहे हैं कि आप लोग के लिए दिक्कत ना हो। हेडिंग में क्या रहेगा? इफ कस्टमर विल, नहीं हेडिंग लिख रहे हैं तो बता देगा आपको, ये हमारी रिवार्ड देना है। क्या देना है? रिवार्ड देना है, बस बोल दे रहा हूँ समझ जाइएगा मेरी बात। क्या रिवार्ड देना है? रिवार्ड क्या देना है सुनिएगा यहाँ से, जिनका बिल अमाउंट 20,000 से ज्यादा है उनको कार देना है। लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, अगर कस्टमर का बिल 20,000 से ज्यादा होगा तो उन्हें कार देना है, अगर 15,000 से ज्यादा है तो उन्हें बाइक देना है, 10,000 से ज्यादा देना है तो उन्हें साइकिल देना है, और बाकी लोगों को नो एवर नहीं झुंझुना नहीं डायरी मिल्क दे रहे हैं, डायरी मिल्क। सुन लीजिए ध्यान से, जिनका बिल अमाउंट 20,000 से ज्यादा है उनको कार देना है, जिनका बिल अमाउंट 15,000 से ज्यादा है उनको बाइक देना है, जिनका बिल अमाउंट 10,000 से ज्यादा है उनको साइकिल देना है, और बाकी लोगों को
क्या डायरी मिलते हैं। अब कैसे करेंगे, फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, भावेश शिवटन, अरुण स्टैंड अप, बताइए कौन सा फार्मूला और कैसे क्या करना है। इसमें कुछ बताना नहीं है क्योंकि आप लोग जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ एक्सेल में, बस लाइनों को दोहराएंगे तो आंसर वो खुद देता है। नो आइडिया, आईडी कार्ड कहाँ है, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं, पहनेंगे तो अपने आप अभी निकल रही है। प्रतीक तिवारी स्टैंड अप, बढ़िया जाओ, चलो बताओ आईडी कार्ड कहाँ है तुम्हारा, जल्दी पहनो, चलो बताओ, ये बहुत मार खाओगे, नहीं, बताना है, चलो बताओ, आदित्य बताएगा तुम्हारा, आदित्य बताइए क्या सर, मैं तो बताऊंगा ही, तो क्या फॉर्मूला लगाया बताइए, कंडीशन का फॉर्मूला COND, ITI, तो कंडीशन का कौन सा फॉर्मूला होता है, कंडीशन का कोई फॉर्मूला पढ़ाया है, हाँ ये पढ़ाया है कि कंडीशन होने पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है। चलो तुम ही बहुत होते रहो, सुंदर रहो, खड़े रहो, बहुत होते रहो तुम, हाँ खुशी बताइए आप, तो कंडीशन पता है कि अभी सोच रही हो, वैसे नहीं पता है तो मैं पूछूंगा तभी बात बोलूंगी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि कंडीशन होता है, कंडीशन का मतलब यदि, यदि ऐसा हो तो वैसा हो जाए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अभी तभी सी फे लगाते आ रहे, तभी दिमाग में काम कर रहा है, दो फार्मूला बताया था मैंने, इफ और काउंट इफ, कहा था जब कंडीशन लेना होगा तो इफ लगाएंगे और जब ढूंढना होगा तो काउंट इफ लगाएंगे, चलिए बताइए मैम, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, हाँ कस्टमर बिल को सेलेक्ट कर लेंगे, बहुत बढ़िया, हाँ सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ दिख रहा है ऊपर ग्रेटर देन 20,000 कामा डेबिट कामा में कार क्लोज कामा के कस्टमर बिल को सिलेक्ट कर लेंगे, ग्रेटर डेबिट है 15,000 कामा कामा भाई, फाइल हाँ कामा हाँ पक्का तुम बताओ, नूर फातिमा ठीक लगेगा क्या, एक मिनट कहाँ पे देखे बताओगे, तो मैंने ये कहा था कि कंडीशन जितना होता है उससे एक कम इफ का यूज किया जाता है, कितने कंडीशन है हमारे पास, चार कंडीशन है, कार बाइक साइकिल और डायरी मिल, जो नहीं फॉलो करेंगे उनको डायरी मिलते हैं, चार कंडीशन है, यानी इफ का 3 बार यूज होगा, यानी यहाँ पे जो हाँ सिलेक्ट फिल कराया गया है, यहाँ एक बार फिर से इफ लगेगा और ब्रैकेट ओपन होगा, और यहाँ पे फिर से इफ लगेगा और ब्रैकेट ओपन होगा, बिल को ही सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 10,000 लिखेंगे, कामा करेंगे, डबल कामा में लिख देंगे साइकिल और डबल कामा क्लोज कामा, अब बाकी कहानी खत्म, कि बाकी लोग को डायरी मिल देते हैं बस, और ब्रैकेट कितनी बार बंद होगा, जितनी बार इफ लगा है, 2, 3 बस आ गया, डेरिविंग एक और डेरिविंग पाएगा और एक बाइक पाएगा एक कार पाएगा, साइकिल क्यों नहीं पाया, क्योंकि साइकिल रेंज में कोई आया ही नहीं, हाँ अगर वही अभी मैं कर दू यहाँ पे, इस 8 को क्या कर दिया जाए, 12 कर दिया जाए, अब मिल जाएगा साइकिल, हाँ अरे कहाँ भाई टाइम दवाई रहेगा, देखिए साइकिल मिल गया, तो मैंने कहा क्या, मैंने कहा यदि कस्टमर बिल, तो किसको सेलेक्ट करेंगे, यदि मतलब इफ, और किसको सेलेक्ट करेंगे कस्टमर बिल को, और क्या कहा कस्टमर बिल क्या हो, बड़ा हो तो प्रिंटर का सिंबल लगाइए, कितने से 20,000, तो 20,000 लिख दीजिए, तो क्या होना चाहिए,
अगर कस्टमर का बिल 20,000 से अधिक होगा तो क्या होना चाहिए? कार मिलना चाहिए। तो ये लिखे हैं डेबिट का मांग कार। हो गया पहला काम, फिर से इफ लगाया है। यदि कस्टमर बिल किसको से ले करेंगे? कस्टमर बिल को, बड़ा हो तो बड़ा का सिंबल लगाएंगे डेटर का। कितने से? 15,000 से। क्या लिख देंगे? 15,000। अच्छा 15,000 से बड़ा होगा तो क्या होगा? बाइक मिलना चाहिए। तो काम डबल काम हम बाइक दे दिए। उससे अलग काम नहीं हुआ है, बैठ जाइए सब लोग, उससे अलग नहीं हुआ है। बस जो बात आप कह रहे हैं ना, उन्हीं बातों को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। तो आप लोग कल की हेडिंग में एक हेडिंग बढ़ा लीजिए, रिवार्ड। सब लोग निकाल के दिखाएंगे कल, आज मुझे रिवार्ड। और रिवार्ड में क्या रहेगा? 20 से अधिक वाली बाइक कार, 15 से अधिक वाले बाइक, 10 से अधिक वाले साइकिल, और बाकी लोगों को नो नो अवार्ड भी लिख सकते हैं, डायरी में लिख या फिर कुछ भी, डैश 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 कुछ भी लिखेंगे आ जाएगा, लिख लेंगे ना। चलिए, इससे पहले आप क्या पढ़े थे? इससे पहले आप पढ़े थे चूज फार्मूला, क्या पढ़े थे? चलो एक कंडीशन और दे रहा हूँ चूज फार्मूला में, यहीं पे होगा आई थिंक। ये रहा कंडीशन, थोड़ा सा मैं और दे रहा हूँ और करके दिखाइए फिर, क्योंकि अगर चूज फार्मूला का आप समझ गए तो इस बात को भी करके दिखा देंगे जो मैं कहने जा रहा हूं। ये तो जानते होंगे, एडिशन का मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना, मल्टीप्लीकेशन मतलब आई थिंक गुणा होता होगा, और डिवीजन मतलब भाग, जहाँ तक मुझे पता है। और यहाँ पे मैंने दो वैल्यू एज्यूम कर ली, एक एक्स एज्यूम कर लिया और दूसरा वाई को एज्यूम कर लिया। एक्स की वैल्यू 80 रख दिया, वाई की वैल्यू 40 रख दिया। सबको दिख रहा है? और होल्ड कर लिया, थोड़ी साइड टीच कर ली, और यहाँ पे मैंने इसको ए भी। चलो चलो भाई नीचे, और यहाँ लगे हमने। अब इसके भी यहाँ पे अगर कोई कह दे डाटा निकालिए चूज फार्मूला के द्वारा, कैसे निकालेंगे बताइए? ये भी चूज फार्मूला का है, मतलब चूज फार्मूला कहीं भी लगा सकते हैं, अपने दिमाग लगाए कहीं भी लगाए। सडनली मेरे दिमाग में एक आया कॉन्सेप्ट, मैं चाहता हूँ पूछ लूँ, अगर आप लोग चूज फार्मूला सच में समझ गए ना, ये भी कर लेंगे। चाहिए तो पहले नोट कर लीजिए तरीका, पहले जिस तरह जैसा मैंने बनाया है, सिर्फ उसे मैसेज छाप लीजिए, फिर बताना चाहेंगे इसको कैसे करेंगे। चलिए आप लोग चूज फार्मूला चूंकि पढ़ चुके हैं तो फिर बताइए कैसे करना है इसको, बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई भी नहीं बताना चाहेगा परिकेश, बताइए। हाँ सोच लीजिए, बस सोच आज ही खत्म हो जाए, थोड़ा 42-45 तक। प्रभाकर सोच रहे हो? सोच लो, 2 मिनट है, सोच लीजिए आप, रचना तुरंत बताएगी। ये क्या हो रहा है जी? गर्ल्स पावर। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप लोग कुछ करना नहीं है, नॉर्मली याद है ना इंडेक्स को हम क्या कर देते हैं, कॉपी और यहाँ लाके इतना तो करना जानते हैं आप लोग। यहाँ क्या लगा देते? चूज फार्मूला इक्वल टू चूज ब्रैकेट ओपन। अच्छा क्या मांग रहा है यहाँ पे? इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर दे दीजिए। काम अब क्या मांग रहा है? वैल्यू फर्स्ट, क्या मांग रहा है वैल्यू फर्स्ट पे क्या है, लेकिन किसका एडिशन करना है? एक्स और वाई का, एक्स और वाई का ना, यानी कि क्या लगाएंगे? एक्स प्लस वाई, हो गया काम। दूसरा वैल्यू टू क्या है? सबट्रैक्शन, यानी एक्स माइनस वाई। सिलेक्ट एक्स और वाई को सिलेक्ट कर रहे हैं, माइनस प्लस तो दबा रहे हैं, बाकी सिलेक्ट कर रहे हैं। काम
वैल्यू थ्री क्या है, मल्टीप्लाई यानी एक्स इंटू वाई कामा, और डिवीजन का मतलब शायद भाग होता है ना, एक्स डिवाइड बाई वाई और ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर। इन नंबरों का सम 120 आएगा, सही है क्या, पक्का है? और घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई घटाएंगे तो हाँ 40, तो सबट्रैक्शन के लिए क्या दबाना है, इंडेक्स नंबर क्या है, दो, इंटर करिए। अच्छा दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3200, तो उसके लिए क्या दबाना है, तीन दबाए, सही है। अगर डिवीजन किया जाए एक्स को वाई से, 40 गुना 80 दो बार में कट जाएगा, चलो 4 दबा के देखें। ये है चूज फार्मूला, दिमाग ये ऑटोमेटिकली बन जाते हैं फार्मूला, ऐसे टॉपिक ऐसा नहीं है कहीं पढ़ा गया है, ये टॉपिक बन जाते हैं, तो आप भी जब समझ जाएंगे फार्मूला का टॉपिक भी बना सकता हूँ। ये चूज फार्मूला पढ़ाया था पहले भी, बोला था समझिए टैक्सल, इतना समझेंगे तो कुछ टॉपिक भी बन जाएंगे, तरीका भी बन जाएगा भाई। वहां पे जानते हैं वैल्यू फर्स्ट क्या है, तो वहां क्या था जो था वो फार्मूला था, एडिशन का कोई फार्मूला तो है नहीं, नंबर तो है नहीं, बहुत एक्स और वाई को एज्यूम करना है, इसलिए सुना कि प्लस माइनस लगभग आसान था, मुझे पता था आप नहीं बता पाएंगे इसलिए पूछ रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, टॉपिक नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके।